नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज की हमारी एक विशिष्ट वनस्पति है बिदारीकंद। तो आइए दोस्तों, हम बिदारीकंद के बारे में जानते हैं और देखते हैं बिदारीकंद। मित्रों, बिदारीकंद को संस्कृत में बिदारी, हिंदी में बिदारीकंद, पाताल कुष्मांड, भूकुमड़ा, बिलाईकंद आदि नामों से जाना जाता है। यह पलाश के समान होता है, इसलिए इसे पलाशकंद या खाकरकंद भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्यूरेरिया ट्यूबरोजा है और यह सिम्बी कुल की वनस्पति है। बिदारीकंद सिम्बी कुल की अति विस्तार वाली एक बहुवर्षायु लता होती है। इसके पत्र पलाश के पत्र के समान त्रिपत्रक होते हैं और इसके जो पत्रक होते हैं वो लगभग 3 से 6 इंच लंबे और चौड़े और अग्रभाग में नुकीले होते हैं। इसकी पुष्प मंजरियों में आते हैं, इसकी मंजरी लगभग 6 से 18 इंच लंबी होती है और इसके जो पुष्प हैं नीले रंग के बहुत ही सुंदर होते हैं। इसमें कोंच की फली के समान फलियां होती हैं जो लगभग 3 से 6 इंच लंबी, चपटी और भूरे रोमों युक्त होती है। इन फलियों में लगभग 2 से 6 इंच की संख्या में काले और चपटे बीज होते हैं। आचार्य चरक ने बिदारीकंद को बल्य वृंगणीय वर्ग में लिया है और आचार्य सुश्रुत ने इसे बिदारीकंद आदि और पित्त संसमन आदि वर्गों में लिया है। आचार्य भावे मिश्र ने जो अष्टवर्ग की मुख्य वनस्पतियाँ हैं, जो जीवक और ऋषभक, उनके प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में बिदारीकंद को माना है। आयुर्वेद शास्त्र के मतानुसार बिदारीकंद का जो गुण है वो गुरु और स्निग्ध होता है। इसका रस मधुर है, इसका विपाक भी मधुर होता है। यह शीत वीर वनस्पति है। मुख्य रूप से यह बात और पित्त का शमन करती है। इसका प्रभाव बल्य और रसायन होता है। मित्रों, ये देखिए, ये बिदारीकंद है और जो बिदारीकंद की लता होती है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और उन लंबी लंबी जड़ों के अंतिम सिरे में इस प्रकार से ये कंद बन जाते हैं और यही बिदारीकंद कहलाता है। ये कंद बहुत गहराई में होते हैं, इसीलिए इसे पाताल कुमड़ा कहा जाता है। और ये इतने विशाल होते हैं, लगभग 2 से 2.5 फीट 3 फीट ब्यास तक के भी हो जाते हैं। इनका वजन 2 किलो से लेकर के 25 से 30 किलो तक भी होता है और बहुत बड़े बड़े कंद ये बन जाते हैं। जितने पुराने होते जाते हैं इन कंदों का आकार बढ़ते जाता है। ये बाहर से भूरे रंग के होते हैं और इन पर ये पतला छिलका भूरे रंग का होता है, ये छूटता हुआ दिखाई देता है। ये कंद अंदर से काटने पर सफ़ेद रंग के होते हैं और इनका अंदर जो रस निकलता है वो मीठा मुलेठी के समान होता है। इसलिए ये भूकुष्मांड कहलाता है, क्योंकि ये कुष्मांड की तरह दिखाई देता है। मित्रों, बिदारीकंद के प्रयोगों की बात करें तो शास्त्रों में इसके सैकड़ों प्रयोग भरे पड़े हैं। ये बहुत ही चमत्कारी रसायन बल्य ब्रंगण औषधि है। लेकिन हम आपको एक विशेष प्रयोग जो आदिवासियों द्वारा हमें मिला है और उनके परंपराओं में ये उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आदिवासी लोग अपने जो बैल होते हैं उनको इसका सेवन करवाते हैं और उनके जो बैल होते हैं, कमज़ोर बैल, वो इसके सेवन करने से बहुत ही हृष्टपुष्ट हो जाते हैं। उनको इसके सेवन करने के बाद उनकी भूख बहुत बढ़ जाती है, उनका खाना अच्छी तरह हजम हो जाता है और बहुत ताकतवर हो जाते हैं। बहुत काम करने पर भी वो थकते नहीं हैं। और इसी प्रकार आदमियों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। उसकी विधि यह है कि इसका जो चूर्ण बना के रख लें, बिदारीकंद को काट कर सुखा लें छाया में, उसका चूर्ण बना लें और उस चूर्ण में ताजे बिदारीकंद का रस निकाल कर 21 बार भावना देना है और उसे सुखाकर, छाया में सुखाकर अच्छी तरह से रख लें। और इस बने हुए चूर्ण का 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत तेज़ बढ़ जाती है। ये भूख को बहुत तेज़ बढ़ाता है, इसीलिए इसे भूख कंद भी कहते हैं। खाना अच्छी तरह से हजम होता है, नए रस और रक्त का निर्माण होने लगता है, शरीर में ओज और बल की वृद्धि करता है। पुरुषों के लिए भी ये बहुत ही बाजीकारक रसायन है। बल और वीर को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इस प्रकार शरीर बहुत हृष्टपुष्ट और स्वस्थ हो जाता है। इस महारसायन के सेवन से पुरानी बीमारियाँ, जो कई प्रकार की दवाइयों के सेवन करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, बेबी इसके सेवन से ठीक हो जाती हैं। जिन महिलाओं को बार बार गर्भस्राव हो जाता है, बच्चेदानी की कमजोरी होती है, उनको इसका सेवन करना चाहिए।
और इसके सेवन करने से यह समस्या भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी वनस्पतियों के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।